नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल, चैनल नंबर 9, और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट फर्स्ट। सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, इन केस यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यू वांट टू नो मोर अबाउट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुँचा सकते हैं और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800440559। आप ईमेल के थ्रू भी अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class9@cit.nrc.in। सो वी वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स क्लास विद ऑल योर क्वेरीज एंड डाउट्स रिलेटेड टू सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम। वी हैव जॉइन बाय आर एक्सपर्ट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए आप सभी का परिचय करवाते हैं उनसे। आप हैं मिसेस बीना प्रकाश, यू आर सीनियर PGT मैथमेटिक्स फॉर कैंपियन स्कूल भोपाल। वेरी वॉर्म वेलकम मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू रेनो जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लर्नर्स। तो मैम, हम बात करेंगे आज के सेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। तो हम आपको हैंड ओवर करते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आज के इस क्लास की शुरुआत की जाए, बच्चों को बताया जाए कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। मैम जी, सरफेस एरिया वर्ड बता रहा हूँ, सरफेस मतलब किसी चीज के ऊपर का सरफेस की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम मतलब उसमें क्या चीज कंटेंट करता है। जैसे यहाँ लिखा है डेफिनेशन, एरिया कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट सरफेस इज द सरफेस एरिया, ठीक है। एंड क्वांटिटी ऑफ स्पेस अवेलेबल इन दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ स्पेस है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ कोन देखेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे बॉक्स जिसका शेप है क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सब के हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स देखें। नाउ फॉर 9th क्लास चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो कोन क्या है, आप लोगों को सबको थोड़ा सा आइडिया है ना, एक कोन का शेप। कोन का शेप इस तरह से होता है, ये है एक कोन का शेप, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आपके पास इस कोन का सरफेस एरिया, कितने सरफेसेस है, सबसे पहले ये देखना है कि हमें कोन का सरफेसेस कितने हैं। एक कोन जो है ट्रायंगुलर शेप का ऑब्जेक्ट ऐसा रहता है, इसके दो सरफेस है। एक ये सरफेस है जिसका नाम है कर्व सरफेस, ठीक है, ये सरफेस, इसको कर्व सरफेस बोलते हैं। और ये जो बेस पार्ट, ये जिस पर खड़ा है, दैट इज नोन एज बेस। ये जो बेस है ये एक एक्चुअली सर्कल है, दैट्स अ सर्कल। सो इसके दो सर्फेस है, एक कर्व सर्फेस एरिया और एक बेस, दैट इज फ्लैट सर्फेस विच इज अ सर्कल। तो अब क्वेश्चन है कि इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझना है कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। जैसे बेस का एरिया, तो इस कोन का डेफिनेशन जो है, कोन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ हाइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फ्रॉम द वर्टेक्स, इसको हम वर्टेक्स से ले लेते हैं अपन, जस्ट अ मिनट। ये जो लाइंस है ना, दिस इज फ्रॉम द वर्टेक्स, कैन यू सी दिस, ये जो लाइन जा रहा है, ये लाइन जो है, दिस इज एक्चुअली अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। ये पी पॉइंट जो है वर्टेक्स, इसका एंड कोन, कोन का जो कॉर्नर है वो इसको वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से नाउ ये जो दिस इज नोन एज हाइट, और ये जो लेंथ है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट वी हैव। और ये लेंथ, ये जो साइड वाला लाइन ज्वाइन की, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, दैट इज नोन एज स्लांट हाइट। तो ये सब वर्ड्स हमें समझना है सबसे पहले, ये स्लांट हाइट, हाइट, रेडियस, ये सब से हम कैसे कर्व सरफेस एरिया एंड बेस का एरिया निकालें। सबसे पहले हमें ये समझना है हम कोन बनाएंगे कैसे। तो आपके पास एक सर्कुलर, आपको दिख रहा है स्क्रीन में एक सर्कल है, मैंने उसका एक पार्ट काट दिया, दैट इज नोन एज सेक्टर। ये सेंटर ऑफ द सर्कल था, ये सेंटर ऑफ द सर्कल था, एक दैट इज, ये दोनों रेडियस है, रेडियस के ज्वाइन करके मैंने एक पार्ट काट दिया, ऐसे करके कट कर दिया। तो मुझे एक पार्ट ऑफ अ सर्कल दिख रहा है।
अब मुझे इसको कोन बनाना है तो क्या करूंगी कि ये दोनों जो कटे पार्ट्स है ना, जो कॉर्नर्स है ना, इसको मैं ज्वाइन करूंगी। ठीक है, अब ज्वाइन किया है तो आप देख रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट, जैसे ये शेप दिख रहा है ना, ये देखो, अब ये देखिए, पहले ये एक सरफेस में था, ये एक सरफेस में है। अगर मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगी तो ये देखो, इट इज ऑन अ सरफेस, देखिए खड़ी हो जाती है, देखो ऐसे, तो ये अब एक ऑब्जेक्ट बन गया और इस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कोन। ओके है ना, ये समझ में आया इनको? हाँ, तो ये है कोन। अब ये कोन का ये जो बेस पार्ट है, दिस पार्ट, ये आप देखिए ध्यान से, एक सर्कुलर टाइप, सर्कल के टाइप होता है, और ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं कर्व सरफेस, है ना, कर्व सरफेस। तो हमें इसका भी एरिया चाहिए, और एरिया अगर ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब पूरा ढका हुआ, बना हुआ है, इसमें ठोस है ये, तो ये भी एक सरफेस आपको सर्कुलर दिखेगा, तो इसका भी एरिया चाहिए और इसका भी एरिया चाहिए, तब हमें, हमारे पास इस कोन का टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। तो अब क्वेश्चन है कि इसका एरिया हम निकालेंगे कैसे। हम एरिया निकालने के लिए, एरिया एक्चुअली एक फ्लैट सरफेस का होता है, एक फ्लैट सरफेस जो हम एक सरफेस पर रख सकते हैं, किसी के ऊपर रख सकते हैं, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ इसके ऊपर रखने के लिए, ये राइटिंग पैड के ऊपर रखने के लिए कोशिश कर रही हूँ, तो ये नहीं रहेगा, इट विल बी ऐसे खड़े हुए दिख रहे हैं ना आपको, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब इसको अगर एरिया निकालना है तो मुझे इसे फ्लैट करना पड़ेगा, अब फ्लैट करूंगी तो मुझे दिख रहा है कि ये इट इज ऑन द सरफेस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये कौन सा पार्ट है सर्कल का? इस पार्ट ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया है सर्कल में, एक सेक्टर ऑफ अ सर्कल इसको बोलते हैं। इधर ये जो निकला हुआ पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, दैट इज माइनर सेक्टर, और पेपर का जो पार्ट बचा है वो इज मेजर सेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि जो मेजर सेक्टर है सर्कल का, वो ही तो है कर्व सरफेस का कोन का, है ना, दिख रहा, वो ही सरफेस, दैट इज जो फ्लैट्स में है, फ्लैट में सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, वही हमने उसको टर्न करके कोन बना दिया, तो उसको बोलेंगे कर्व सरफेस। दैट मीन्स एक कोन का कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ दैट सेक्टर इज सेम। ठीक है, नाउ अब ये कोन के बारे में बताया था मैंने अभी कि ये जो लेंथ है, इस लेंथ को बोलते हैं स्लैंट हाइट, ये लिखा ना एल से रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये दैट इज स्लैंट हाइट, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली है इस सर्कल का रेडियस, ये सर्कल का एक रेडियस है, एंड कोन का रेडियस, कोन का रेडियस जो है वो बेस से बनाते हैं, बेस का रेडियस इज आर, वो हमारा पास ये पॉइंट है, और ये हाइट, हाइट मीन्स हाउ फार इज दिस टिप फ्रॉम द बेस, दैट इज व्हाट वी हैव एज द हाइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन से हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? वन वे, दिस इज द फर्स्ट वे जो हमारे बुक में है, वो कैसा है कि ये जो रे बचा है, दिस इज अ सेक्टर दैट इज लेफ्ट, ये सेक्टर बचा हुआ है ना हमारे, इसको हम क्या किया है, ये छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स में काटे, ये देखो दिख रहा है आपको, छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स में काटेंगे, बहुत छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स, और ये छोटे छोटे ट्रायंगुलर स्ट्रिप्स ऐसे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है सर्कल के ऊपर रखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, एक्चुअली ये दो पॉइंट सर्कल के ऊपर है और इतने पास है कि वो स्ट्रेट लाइन दिखेंगे। तो मैंने इसका लिंक ले लिया P1, इसका लिंक ले लिया P2, इस तरह से पूरे रीजन को हमने कट कर दिया, और ये PN दैट इज N ट्रायंगल्स में कट किया सोच लो, एंड हर ट्रायंगल का ये जो लेंथ है दैट इज अ परपेंडिकुलर दैट वी हैव, दैट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो हाउ इज द एरिया ऑफ दैट रीजन फाउंड? हमारे पास एरिया निकालने के लिए देखो, एरिया ऑफ AOBQO इज एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, वन ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाई उसका ऑल्टीट्यूड, बेस इज P1 एंड ऑल्टीट्यूड इज द L, ठीक है, दैट इज L। सो वैसे दूसरे ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा P2L, थर्ड ट्राइंगल का, इस तरह से हमने सारे ट्राइंगल्स के एरिया को कंबाइन कर दिया, तो वी फाइंड दैट L इज अ कॉमन क्वान्टिटी, सब L बाहर आ गया, बचा क्या है, सिर्फ P1, P2, P3, ये है। अब ये P1, P2, P3 क्या है? P1, P2, P3 दे आर द लेंथ ऑन द सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे, ये लेंथ, वो एक्चुअली होता क्या है, दिस टुगेदर इज एक्चुअली द रेडियस और सर्कमफ्रेंस, ये पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस, बेस का सर्कमफ्रेंस, उसका है वैल्यू है 2πr। सो फाइनली फॉर्मूला भी है अपने को πrl, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। ठीक है,
अब एक और तरीका है, तरीका ये है कि ये देखिए, ये फिगर है अपना कोन का, दिस इज अ कोन। अब इस कोन को मैंने ऐसे इस एज से काट दिया तो ये खुलेगा ऐसे, इट मेक्स अ सेक्टर, जैसे मैंने दिखाया ना ये सेक्टर, ऐसे खोल के कोन को काट कट किया ये सेक्टर बन जाएगा। तो ये दो एंड्स लिया है, ये एंड ए है, ये एंड ए बी है, तो ये है पूरा आर्क लेंथ ए बी, फाइन। तो ये आर्क लेंथ है, तो ये आर्क जो है ये एक सर्कल पे सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, एंड ये जो लेंथ है दैट्स अ स्लैंट हाइट, ये देखिए एल, ये स्लैंट हाइट है ओ ए, वो यहाँ पे है। अब प्लेन में रखेंगे तो दिस इज हाउ इट लुक्स। सो बेस ऑफ द कोन इज नथिंग बट अ सर्कल, सो एरिया ऑफ द बेस क्या हो जाएगा अपना, पाई आर स्क्वायर, फाइन। नाउ द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क लेंथ क्या है, हाउ डू वी मेजर द आर्क लेंथ, देखो बच्चे ये बहुत अच्छा फॉर्मूला था ये हमने किया है, दैट इज 360 डिग्री अगर मेजर है एंगल का पूरा सर्कल, दैट इज फुल सर्कल, उसका आर्क लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई एल, इस सर्कल का रेडियस है एल, इट इज 2 पाई एल, दैट्स अ पेरीमीटर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब फॉर एंगल ए डिग्री इट विल बी 2 पाई एल ए अपॉन 360, विच एक्चुअली वो होता क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई आर। सो अब आपसे इससे इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है एंड वी गेट दिस रिलेशन, पाई एल ए अपॉन 360 इज इक्वल टू पाई आर। नाउ द एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, दैट इज रिटन एज सी। अब ये जो एरिया ऑफ द सेक्टर है 360 डिग्री के लिए इट इज पाई एल स्क्वायर, सो ए डिग्री के लिए इट इज पाई एल स्क्वायर ए अपॉन 360। अब इसमें से व्हाट आई एम डूइंग इज थोड़ा सा रीअरेंज कर रही हूँ, पाई एल ए अपॉन 360 दिखा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एल को अलग कर दे, एल स्क्वायर में से एक एल को इसमें रख लिया मैंने और एक एल को ये लिया। सो ये होल क्वांटिटी, ये पूरा क्वांटिटी जो है अपना पाई आर है, so this is replaced by pi r and l is multiplied, so the formula for curved surface area is pi r l। आप लोग को इसका derivation आना चाहिए क्योंकि ये काम आता है for computation। अब आप लोग को बता रही हूँ बच्चों, ये जो chapter है इसमें हमारे पास कुछ formula है, that is एक curved surface area and एक total surface area of the cone है। जैसे देख रहे हैं total surface area of the cone is curved surface plus the base, base is pi r square। अब question क्या है, ये एक्चुअली फॉर्मूला अप्लाई करके इसके वैल्यूज निकालना, सो दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज अ चैप्टर वेयर हम कंप्यूट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि कैलकुलेशन है हाथ से करने वाला, जो हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह नहीं, हमें शॉर्ट टाइम में फास्ट कैलकुलेशंस करने चाहिए, और कई बार हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरे नहीं रहते, हमें निकालना पड़ता है इंफॉर्मेशन, वर्कआउट करना पड़ता है इंफॉर्मेशन, तो हमारा क्या टाइम वेस्ट होता है, वो सारे ट्रेडिशनल वे में करेंगे। अब हमको इस चैप्टर से ये पता चलता है कि हम किस किस तरीके से हम मैनेज करते हैं टू गेट व्हाट इज नॉट इन द गिवन क्वेश्चन, दैट्स नॉट देयर इन द क्वेश्चन, हाउ टू टेक आउट दैट, वो हम बताएंगे, ठीक है। लाइक ये द क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज गिवन एंड इट्स स्लैंट हाइट इज गिवन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला पाई आर एल है, डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है तो रेडियस मिल जाएगा, उसका आधा हो जाएगा, स्लैंट हाइट भी दिया है, तो ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज देयर, तो आपको सिर्फ इसमें सब्सटीट्यूट करना है वैल्यूज और उसके बाद निकालना है वैल्यू। नाउ द क्वेश्चन इज पाई, पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, बच्चों पाई इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और जब डेसिमल में भी देते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, बट हमारे पास कैलकुलेशन करना है, ये कंप्यूट करना है, तो हमें एक वैल्यू लेना है, तो हम इसके एक अप्रॉक्सीमेट या नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं एंड दैट इज 22/7। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पर लेने, इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है टेक पाई एज 22/7, तो इसलिए हमने पाई को 22/7 यूज किया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी टेक अप दिस। नाउ इसमें वी हैव द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 एंड देन अब देखिए रेडियस, रेडियस इज 10.5। ये एक और इंफॉर्मेशन दे रही हूँ बच्चों, जब कभी भी कोई क्वेश्चन में, कंप्यूटेशन क्वेश्चन में कोई वैल्यू डेसिमल में होता है, प्लीज अवॉइड दैट डेसिमल नंबर, उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, लाइक डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, तो 20 ऑलरेडी है, तो 20 के साथ 10 मिला के इट बिकम्स 20, ठीक है। सो इट इज ईजियर फॉर कैलकुलेशन। अब आपको इन सारे तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसके आंसर लिखना है। सो
सो नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए प्लीज डोंट अगेन गो फॉर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन. उसकी जगह व्हाट यू डू इज आप सिंप्लीफिकेशन देखिए. सबसे पहला सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है मुझे ये जीरो एंड जीरो गेट्स कैंसल. फाइन. अब ये टू जो है ये 22 से कैंसिल हो जाता है एंड यू गेट 11. वन मोर इन्फॉर्मेशन दैट इज सेवन जो है 105 को 105 इज डिविजिबल बाय सेवन एंड दैट इज 15. तो आपके पास अब कैलकुलेशन बचा क्या है ओनली 11 एंड 15. एंड 11 एंड 15 बच्चों याद करके देखो. मल्टीप्लीकेशन बाय 11 मैंने बीच में कई बार बताया है. कभी भी कोई नंबर होता है लाइक 23 मल्टीप्लाइड बाय 11 है तो आप क्या करेंगे इसको वी जस्ट राइट द एक्सट्रीम नंबर्स एंड ऐड द मिडिल वन टू 53. लाइक ये 11 एंड 15 है. ये सब ट्रिक्स आपको आना चाहिए फॉर कंप्लीट फास्टर कैलकुलेशन. 11 एंड 15 है तो 11 एंड 5 15 दोनों एंड पॉइंट्स एंड दोनों के बीच में क्या लिखेंगे 1 प्लस 5 दैट इज 6. 165 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन. फाइन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने. कर्व सरफेस ऑफ ए कोन इज गिवन एंड इट्स स्लैंट हाइट दिया है. हमारे पास इंफॉर्मेशन है कर्व सरफेस एरिया और उसके बाद स्लैंट हाइट भी दिया है. नाउ द क्वेश्चन इज टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है अपने पास. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है कि कर्व सरफेस के साथ आप बेस ऐड करेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो द क्वेश्चन इज अब इसमें देखिए पाई आर स्क्वायर ऐड करना है. पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कोई भी वर्ड में नहीं दिख रहा है. हमारे पास स्लांट हाइट है ये जो है दिस लेंथ इज एल. ये एल है. हमारे पास सी दिया हुआ है सी भी दिया है एल भी दिया है बट आर मिसिंग है. आर इज मिसिंग. तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने इजेंट इट हेल्पिंग अस. ये एक्सप्रेशन से हमारे पास जो अननोन है मिसिंग है वो आ जाएगा. देखिए सी इज 308 पाई अगेन 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय आर. अब आर का वैल्यू के लिए यू सिंप्लीफाई दिस. अब ये देखिए 7 कैंसल दिस 14 बिकॉज 7 डिवाइड्स 14 तो ये हो जाएगा 2 सा एंड देन यू फाइंड दैट ये जो 22 2 है दैट इज दिस इज गेटिंग कैंसिल एंड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इज आर. ये 44 एक्चुअली 44 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 308. सो रेडियस भी आ गया. अब क्वेश्चन था टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या करना है अपने को कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई में 22 अपॉन 7 यूज किया है. अब देखिए उन्होंने भी पर्पसली यूज दिया है कि 22 अपॉन 7 इसलिए क्योंकि वी नो दैट देयर इज सम 7 हियर सो ऑटोमेटिकली इट गेट्स कैंसिल. अब बचा के अपने पास दिस नंबर वी हैव सो द टोटल वैल्यू निकाल लीजिए आप. फाइन. दैट्स हाउ वी फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें भी देखिए अब आप थोड़ा सा चेंजेस देखिए क्वेश्चन में. एक कोनिकल टेंट है जिसका हाइट दिया है रेडियस दिया है. ठीक है हाइट दिया है रेडियस दिया. अब क्वेश्चन इज टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट. कॉस्ट ऑफ ए कैनवस व्हिच इज रिक्वायर्ड. कैनवस मीन्स व्हाट. आपके पास एक ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो टेंट बनेगा. टेंट बनेगा मतलब आपको उसको फोल्ड करके जो इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन कर्व सरफेस एरिया. मैम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ. यस मैम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वी हैव ओनली 5 मोर मिनट्स लेफ्ट फॉर दिस सेशन. फाइन 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 फाइन. तो इसमें अपने पास इन्फॉर्मेशन है द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज गिवन. तो इसके इन्फॉर्मेशन से वी फाइंड द टोटल कॉस्ट. नाउ इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है. वी हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ हाइट वी हैव द इन्फॉर्मेशन ऑफ रेडियस बट स्लांट हाइट इज मिसिंग विच इज रिक्वायर्ड क्योंकि हमारे फॉर्मूला में स्लांट हाइट है. तो अब आप देखिए इन्होंने जो वैल्यू दिया है यही बच्चों आपस में देखिएगा जरूर जो इन्फॉर्मेशन दिया है इट इज नॉट रैंडम. आपके पास कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये सब पर्टिकुलर वैल्यूज है. जैसे यहाँ 10 दिया है दिस इज 12 24 दिया है. 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इट्स वी हैव इट एज पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. देखिए एच आर तो दिस इज एल तो 10 स्क्वायर प्लस 24. अब आप इसमें 10 स्क्वायर का वैल्यू एंड 24 स्क्वायर का वैल्यू निकालने के बजाय आप देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको. जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 स्क्वायर विल बी आउट एंड व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. अब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है कि हाइट रेडियस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. एल इज हाइपोटेन्यूज ऑल्सो. तो इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन हाँ जी कर्व सरफेस एरिया जो क्वेश्चन है उसमें आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज होता है. तो 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो मैंने सिर्फ उसका डायरेक्ट वैल्यू लिखा दैट इज 13 स्क्वायर. सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एल एस 26. सो द कैनवस रिक्वायर्ड इज 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 26. अब आपको क्वेश्चन है कि
कॉस निकालना है, एरिया नहीं निकालना आपको, सिर्फ कॉस निकालना है। तो इसका मतलब ये कि ये कंप्यूटेशन हमें करने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट लीव इट इन दिस फॉर्म एंड देन गो हैड विद द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 70 इज द रेट। सो 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए दिस 7 कैंसिल, दिस इज लेफ्ट विद 10। आपको इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है एंड दैट कम्स आउट टू बी ₹6,240। So that is actually the cost of the canvas that is required for making this tent. ठीक है, सो ये जब क्वेश्चन जो है ना आपके पास, ये सब क्वेश्चन में इट इज अ नेक्स्ट लेवल दैट वी हैव, दैट इज अपार्ट फ्रॉम फाइंडिंग द कर्व सरफेस, आपको उसको थोड़ा सा और एक और इन्फॉर्मेशन के साथ यू हैव टू टेक अप द थिंग, दैट इज जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आई जस्ट टेक इट क्विकली। लेंथ ऑफ द टार्पलिन दैट इज यूज टू मेक अ कोनिकल टेंट of height 8 and base. अब ये भी देखिए height and radius दिया है, numbers क्या दिया, 8 and 6. तो बच्चों याद करके देखो, 8, 6 and 10 ना Pythagorean triplet, ठीक है? अब question ये है कि how much length is required to make that tent, ठीक है? Length of the tarpaulin which has 3 meter wide. तो 3 meter wide का मतलब हम जब कपड़ा खरीदते हैं, we don't go to the shopkeeper and say मुझे इतना एरिया का कपड़ा चाहिए, इंस्टेड क्या मांगते हैं हम बच्चों, याद करके देखो बच्चों, हम ट्रेड शॉपकीपर के पास जाके लेंथ मांगते हैं, मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कपड़े जो जो हम ले रहे हैं उसका एक विड्थ फिक्स्ड है, तो उसके ऑलरेडी हमारे पास एरिया अपने आप ही आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी देखेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया निकले, हमारे पास कर्व सरफेस टेंट बना रहे हैं, तो कर्व सरफेस के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टार्पलिन चाहिए, दैट इज कर्व सरफेस द कोन चाहिए, दैट इज पाई आर एल, डालने वैल्यू वी हैव आर इज 6 एंड आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कम्स आउट टू बी 10 स्क्वायर, दैट इज 10। सो दिस इज द टोटल आंसर दैट वी हैव। नाउ द क्वेश्चन इज हमारे पास एक कितना लेंथ चाहिए, वी नीड द लेंथ ऑफ द टार्पलिन, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई L, दैट्स द एरिया ऑफ द टार्पलिन दैट इज to be purchased is equal to the area of the curved surface area of the cone. So aap isme substitute kare, then ye 3 jo hai it cancels this and we get this as 6.28 meters. So 6.28 meters ka length ka kapda chahiye, but ek inhone information ye diya hai ki kam se kam 20 cm jo length hai wo कटिंग स्टिचिंग ये सब में कट जाता है कपड़े का, तो आपको 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो अभी कितना लेंथ आया आपके इसमें 6.28, अब 20 सेंटीमीटर है ये मीटर्स में है, सो आपके पास ऑप्शन यही है कि 20 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो दैट कम्स आउट टू बी 2.02 मीटर्स। तो 0.02 मीटर्स में यू हैव द कैलकुलेशन, दैट इज 6.28 प्लस 0.02 गिव्स यू 6.3 मीटर्स। आपको कितना कपड़ा लेना है, 6.3 मीटर्स लेंथ, ठीक है? वैसे ही है दूसरा भी एक क्वेश्चन है, दैट इज अ कोन कॉर्व शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ, अगेन हाइट दिया है, लेंथ है एच, हाँ जी ओके, दैट्स ऑल, दैट इज अ फ्यू मोर क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन अप। आप ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इसको वर्कआउट करिए, इसमें इन क्वेश्चन में एज सच कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन देख के इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है, आपको समझ में आ जाएगा हाउ टू हैंडल इट, ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच बीना मैम फॉर दिस इन्फॉर्मेटिव सेशन। आपने इतने अच्छे से हमारे सभी व्यूवर्स को बताया कि हम बात कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, किस तरह से बच्चे इसे यूज़ कर सकते हैं और एरिया निकाल सकते हैं। आपने इतने अच्छे से बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू डियर लर्नर्स। और आप सभी व्यूवर्स अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं, जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं स्क्रॉल के रूप में, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी नज़र आ रहे हैं। और अभी हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे, जो कि हमारा वेबिनार है जिसमें हम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मुझे रेणु भट्ट को दें अनुमति, नमस्कार।